अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं कोकोनट मैक्रॉन्स। बहुत ही इजी, बहुत टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं और दिखने में भी बहुत ही प्यारे लगते हैं, और ये आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। और इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए है कि 3 अंडे की सफ़ेदी। सफ़ेदी और जर्दी हमने अलग कर ली है। और 1 कप हमने नारियल लिया है और 3/4 कप हमने लिया है चीनी का। चीनी तकरीबन 1/2 कप और 1/4 कप मिला के 3/4 कप बन जाती है, ठीक है। एक बर्तन में, पैन में आप डालें, सबसे पहले सफ़ेदी डालें, चीनी और कोकोनट डाल के अच्छे तरह मिक्स कर लें, ठीक है। मिक्स करने के बाद इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे और इसको मीडियम से लो में पकाएंगे। हल्के आंच पे पकाना है ये, ताकि ये जल ना जाए। मिक्स करते हुए लगातार चलाते जाना है ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं, चीनी का दाना ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से गाढ़ा सा पेस्ट सा बन जाए। और इसमें आप फूड कलर डाल लें, जो भी आपको कलर पसंद हो। मैं रेड कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बाद में पिंक कलर सा हो जाएगा, लाइट कलर हो जाएगा इसका। तो ये देखें, इसको मुसलसल चलाते जाना है, धीमी आंच पे इसको पकाते जाना है। और ये देखें, 2 से 3 मिनट के बाद ये देखें इतना अच्छा सा इसका कलर आ गया है और इसकी चीनी का दाना भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है और ये गाढ़ा भी हो चुका है काफ़ी हद तक। 1 से 2 मिनट मज़ीद पकाएंगे और फिर इसको चूल्हे से उतार लेंगे। और चम्मच चलाते हुए ध्यान रखिएगा कि ये नीचे ना चिपके, और मुसलसल चलाते जाना है आपने इसको। 1 से 2 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। और ये देखिए, हमारा ये बैटर तैयार हो गया है और इसको हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है, नीम गर्म हो गया है। और अब हम इसको किसी भी शेप में, इसको आप मैक्रोन जिस शेप में भी बनाना चाहते हैं उस शेप में इसको बेकिंग ट्रे पे रखेंगे। मैंने ग्रीस नहीं किया, आप ग्रीस करना चाहते हैं तो ग्रीस भी कर सकते हैं, वरना ग्रीस करने से ये तो ये बहुत जल्दी नीचे से ब्राउन हो जाते हैं। तो इसको हम लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और ये देखें, हमारे 15 से 20 मिनट बेक होने के बाद ये हमारे मैक्रोन्स अच्छे से तैयार हो चुके हैं, क्रिस्पी हो चुके हैं। ये देखें, नीचे चिपके नहीं हैं, थोड़े से अभी गर्म हैं तो उतरने में थोड़ा मुश्किल होगी। थोड़ा इसको बिल्कुल ठंडा होने दें तो ये बहुत इजीली उतर जाएंगे। और ये हमारे कोकोनट मैक्रोन्स तैयार हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।